धन्य है ये भागलपुर की धरती की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इतना अच्छा एक दिए से बनाया गया है। श्री राम आज अयोध्या से उठकर भागलपुर आ गए हैं, भागलपुर की बीच खड़े हैं। उस तस्वीर को देखिए, 150 फीट की ये लंबी तस्वीर, लगभग 5 लाख दिए से ये बनाया गया तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए, कितना सुंदर कितना भव्य लगता है। और उस भीड़ को देखिए, जिस भीड़ से साफ नज़र आता है कि भागलपुर की धरती श्री राम की गूंज से गूंज रही है। भागलपुर ही नहीं बल्कि बिहार एवं भारत के वो प्रसिद्ध नेता भी पहुँचे हुए हैं और इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ उस तस्वीर को बार बार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तस्वीर से भागलपुर की एक एक आम नागरिक भी यहाँ पहुँच गए हुए हैं। और उस भीड़ को देखिए, जिस भीड़ में एक एक व्यक्ति के मुख से श्री राम के ही नारे निकल रहे हैं। विश्व रिकॉर्ड घोषित करने के लिए कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं और उस तस्वीर को देखकर इस तस्वीर को विश्व रिकॉर्ड घोषित किए हैं। विश्व यूनियन संघ के द्वारा इसे विश्व रिकॉर्ड घोषित किया गया है। आइए उन कुछ दिग्गज कलाकार एवं दिग्गज पहुँचे हुए नेताओं से बात करवाते हैं, आखिर इन्हें क्यों विश्व रिकॉर्ड घोषित किया गया। Sharifa, official host of World Record Union and the founder of Knowledge Engineering. See, today with the help of motivation and support of Honorable Minister Ashwinji, okay, we have created 5,08,000 diyas to create a Lord Shri Ram. This is a new record and this is a mass event in Bihar. So I'm very happy to adjudicate this. And it's a pleasure to give an award to our Honorable Minister. Thank you. हाँ, निश्चित रूप से भागलपुर के कलाकारों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और 9 वर्ष 9 संवत्सर के प्रारंभ के इस पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आदमकद तस्वीर को 5,08,000 दियों से सजाकर उन्होंने प्रभु राम के प्रति जो भारतीय जनमानस की धारणा है और प्रभु श्री राम जिस प्रकार से भारत के हर घर में, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मन में विराजते हैं और मानवीय जो मूल्य हैं, मानवीय जो मर्यादाएं हैं, उनके प्रतीक के रूप में भगवान श्री राम आज हम सबों के बीच एक आराध्य हैं और उनके चित्र को 5,00,000 दियों से सजाना यह वास्तव में अपने आप में एक ध्रुव कांड था जिसे हमारे कलाकारों ने इसे एक मूर्त रूप दिया है, उसके लिए हम हृदय से बधाई देते हैं। लगता है ऐसा कि रामचंद्र भगवान उतर आए।